Describe corporate life in one word. Jhand. Hierarchy se zyada important, I doubt kuch aur hota bhi hai corporate mein. I think all departments have work, lekin kaam chor hai har department mein. My name is Sanam Buxani, I'm 22 years old. My name is Drishti Sharma and I'm 25 years old. Mera naam Tilak Shah hai, main 27 saal ka hu aur main ek startup chalata hu jiska naam hai Ace of Pubs. Describe corporate life in one word. Slavery. Jhand. Routine. And if I need to get a job in the future, then you heard me wrong, I said bravery. हमारी जनरेशन ने सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ को नहीं हर चीज को बदनाम करके रखा है. उन्हें लगता है कि यार हर चीज करनी ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. आई डेफिनेटली डोंट बिलीव इन इट. कॉर्पोरेट लाइफ हमेशा से बदनाम ही था, हमने बस उसका रियलिटी एक्सेप्ट किया. बट आई डोंट थिंक कॉर्पोरेट लाइफ एक्चुअल में इतनी डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है. हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जहाँ पे हमें सब चीज़ें बहुत तेज चाहिए रहती है. यू नो, हमें पैसे ज्यादा तेज बनाना है, हमें प्रोग्रेस ज्यादा तेज करना है, हमें प्रमोशन ज्यादा तेज मिलना है. इट्स नॉट ईजी टू गेट थिंग्स टू द मेन हेड, क्योंकि हायरार्की ही ऐसी है कि तुम पहले मैनेजर से बात करोगे, फिर मैनेजर के मैनेजर से बात करोगे, फिर उसके मैनेजर से, और फिर तुम सीईओ वगैरह से कांटेक्ट कर पाओगे. लेकिन हायरार्की कॉर्पोरेट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहती है. अपना खुद का स्टार्टअप होता है तो आपको एक या दो बड़े ब्रेक मिल गए तो ऑल ऑफ अ सडन यू कुड बी एट द टॉप ऑफ योर लैडर. देयर आर पीपल अबव एंड बिलो यू एंड नॉट इन अ गुड वे. एंड आई थिंक गेटिंग थिंग्स टू द मेन हेड डिपेंड्स ऑन द कंपनी. हायरार्की से ज्यादा इम्पोर्टेंट आई डाउट कुछ और होता भी है कॉर्पोरेट में. डायरेक्टली अगर कोई एम्प्लॉय एक सीईओ से कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ों से आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है तो वो लोग ये चीज़ें बहुत हंसी खुशी मजाक में कर लेते हैं. लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद अपने काम से काम रखते हैं. यू नो, देयर इज दिस. यूजुअली क्या होता है, बड़ी कंपनीज में इतना पॉलिटिक्स नहीं होता. एटलीस्ट मैं जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ तो नहीं था पॉलिटिक्स. बट एक लड़की थी जिसने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना था, बट उसने कहा था कि उसने कॉल या मेल मुझे ऑलरेडी डाल दिया है रिमाइंड करवाने के लिए, बट वो हुआ नहीं. मतलब मिस कम्युनिकेशन के वजह से मेरा नाम बीच में आ गया कि भाई सारा इल्जाम मेरे पे आ गया कि मेरी वजह से काम नहीं हुआ. No, I think they should just keep working hard and develop thick skin. Charger. जब कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो ऐसा उसको एक एग्रीमेंट नहीं दिया जाता कि भाई तू सब काम कर सकता है बट प्यार नहीं कर सकता. ये एक अनसेड रूल है कि भाई प्यार ना ही करो तो बेटर है. बट यार प्यार तो कहीं पर भी हो जाता है, ऑफिस में हो चाहे कहीं और हो. है, लेकिन सब छुपाते हैं बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ लाइक पॉलिसीज उसके अगेंस्ट है. मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशंस आई डोंट थिंक शायद उतने पॉलिसीज रखते होंगे इसके अगेंस्ट, बट अगर आप ऑर्थोडॉक्स या थोड़े ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो यस, बिल्कुल पॉलिसीज तो है. इफ यू आर गोना स्पेंड अ चंक ऑफ योर लाइफ इन द ऑफिस, देन देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट यू विल फॉल फॉर समबडी इन द ऑफिस. नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ है. 30,000 में 50,000 का काम नहीं कराते, 30,000 में 80,000 का काम कराते. तो अगर आप कॉर्पोरेट मॉडल देखने जाएंगे तो वही होता है कि आपकी जो एज एन एम्प्लॉई आपकी जो इनपुट है या रादर आपकी जो आउटपुट है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट अ हायर इनपुट. दैट्स द वे इट वर्क्स. अदरवाइज वो मॉडल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. 50 नो नो, 1,00,000 का काम करवाते हैं. सारे डिपार्टमेंट टाइम पास होते हैं, कोई काम नहीं कर रहा होता एक्चुअल में देखा जाए तो. बट सब एक्टिंग ज़रूर करते हैं काम करने की. तो ये है, गेम खेलते रहेंगे और जैसे ही बॉस आया तो स्विच कर देंगे अपने टैब. आई डोंट थिंक डिपार्टमेंट्स को ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, बट आई थिंक ऑल डिपार्टमेंट्स हैव वर्क, लेकिन काम चोर है हर डिपार्टमेंट में. अकॉर्डिंग टू मी तो कोई डिपार्टमेंट लाउजी तो बिल्कुल नहीं होता है. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ जोक्स गोइंग अराउंड व्हेन इट कम्स टू द HR teams of departments, but I'm completely against it. मुझे बिल्कुल समझ नहीं पड़ता है कि लोग उनकी वैल्यू कैसे नहीं देखते हैं. मुझे लगा था कि मैं एक्चुअली कॉलेज से निकलते ही सीधा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई, तो मुझे लगा कि जैसे मेरे फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज में, मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी फ्रेंड्स वगैरह मिल जाएंगे. बट नहीं हुआ. फ्रेंड्स और कलीग्स में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. EY was the first company to come and I was very privileged and humbled and grateful that I got the chance to work with them. Effect hota hai, then you can just make jokes about it, then you'll succeed at your job. And then aur effect hota hai, and then you can make more jokes about it. Eventually burnout hoke career khatam ho jata hai. Ek kafi vicious circle hai. Agar if you're not enjoying your job or you're having a tough time outside of your job, जिसकी वजह से एक sort of burnout situation होता है,
ऊपर से प्रेशर आता है कि यू आर नॉट डिलीवरिंग एंड देन बिकॉज ऑफ दैट इट अगेन लीड्स टू यू नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड इट अफेक्ट्स योर हेल्थ इट अफेक्ट्स योर मोरल योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बिल्कुल पॉसिबल है बट यही है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपका जो दिमाग है ना ऐसा फट जाता है सिर्फ जॉब का काम करने में तो अगर आप मेंटली इतने स्टेबल हो कि आप अपने पर्सनल काम के लिए भी टाइम निकाल सको तो आप आराम से मैनेज कर लोगे मेरी कंपनी का एग्जांपल लेंगे तो दे वर वेरी सपोर्टिव अगर मेरी इवेंट रात को होती थी इन अ पब फॉर अ पब क्विज बिकॉज आई एंजॉयड होस्टिंग इवेंट्स मुझे उससे बहुत बहुत खुशी मिलती थी तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं था मुझे हर अपॉर्चुनिटी जब मिली थी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर साइड हसल हमारी इवेंट्स जो होती है पूरे कंट्री में होती है 14-15 सिटीज़ में होती है दे आर हैपनिंग एट योर फेवरेट पब्स एंड बार्स अक्रॉस द कंट्री इफ़ यू आर एक्साइटेड टू होस्ट एन इवेंट अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है आप माइक पे कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज रीच आउट टू अस और इफ नॉट देन यू कैन ऑलवेज अटेंड आवर इवेंट्स एज वेल जॉब छोड़ के पैशन फॉलो करना चाहते हो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये तभी करना जब आप अपने पैशन में फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ या एटलीस्ट इतना कमाने लग जाओ जितना आपको अपनी जॉब पे मिलता है आई वुड से डू द स्विच एएसएपी इफ यू नो व्हाट यू वांट और व्हाट यू कैन डू वेल व्हाट यू कैन परस्यू अगर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा साहस है अगर यू नो यू आर कमिटेड टू योर आइडिया 100% आई कैन प्रॉमिस दैट देयर इज अ मार्केट फॉर इट इन अ कंट्री लाइक आवर्स जो लोग अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं गो फॉर इट एंड डोंट स्टॉप लाइक डोंट गिव अप एंड जो लोग कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं स्टॉप Give up and just do something that you want to do. Corporate world ना बहुत अलग होता है और तुम्हें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी लीडरशिप क्वालिटीज तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं और बस प्रिपेयर रहो सीखने के लिए अगर लर्निंग माइंडसेट से जा रहे हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो तुम बहुत सारी चीज़ें सीख लोगे काफ़ी तरीके से देखने जाएंगे तो एक कवच है एक शील्ड है अगर आप उसके कवच के अंदर बराबर से बैठ गए यू नो इफ यू हैव सेटल्ड वेल इनसाइड It's a very good place to be क्योंकि फिर वो शील्ड के बाहर जो भी आपकी तरफ आएगा भले ही वो पैंडेमिक हो या एक स्टॉक मार्केट क्रैश हो जो भी हो वंस यू हैव अ जॉब एंड यू आर गुड एट इट यू आर सिक्योर तो अगर आप जॉब लेना सोच रहे हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यू नीड टू नो कि आप किस टीम में काम करने वाले हैं या किस तरीके का काम करने वाले हैं इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट गो फॉर इट